लेक्चर 7 ऑफ लास्ट लेसन यूनिट फर्स्ट। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था और हमने क्या था, स्टिक्योमेट्रिक जो डिफेक्ट्स थे वो डिस्कस कर लिए थे कि कौन कौन से हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। तो नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जिनमें क्या हो क्रिस्टल की स्टिक्योमेट्री मेंटेन ना हो, उन्हें बोलते हैं नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो ये कितने टाइप के होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स और दूसरा क्या है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स दो टाइप से होते हैं। कब कब होते हैं, या तो आपकी क्या हो एनायन की वैकेंसी हो क्रिस्टल के अंदर, या फिर क्या हो आपकी एक्स्ट्रा कैटायंस हो क्रिस्टल के अंदर, जब होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब एनायन की वैकेंसी हो आपकी क्रिस्टल के अंदर तब कैसे होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। तो क्या होता है इसके अंदर, क्या होगा, वन और मोर एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। तो जो क्या होंगे आपके एक या एक से ज्यादा क्या होंगे एनायंस, वो क्या होंगे अपनी जो लैटिस साइड है वहां से क्या होंगे, जो उनकी नॉर्मल साइड है वहां से क्या होंगे, मिसिंग होंगे। और अगर वो मिसिंग है तो मतलब आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं होगा क्रिस्टल। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए तो वैलेंस साइड्स पे कौन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जो वैलेंस साइड है वो कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक। जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का, तो क्या होगा जब हम NaCl को हीट करेंगे सोडियम वेपर्स के एटमोस्फेयर के अंदर, ठीक है। सोडियम के एटमोस्फेयर के अंदर हम क्या कर रही है, NaCl को हीट कर रही है। तो जो NaCl के जो सोडियम के एटम्स होंगे वो क्या होंगे, डिपोजिट हो जाएंगे जो हम जिस एटमोस्फेयर में उसे हीट कर रहे हैं उसी एटमोस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो जो हम सोडियम वेपर के एटमोस्फेयर के अंदर क्या कर रहे हैं, NaCl को हीट कर रहे हैं, तो जो NaCl के Na एटम्स हैं वो क्या होंगे आपके सोडियम एटमोस्फेयर में जाके एब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो Cl नेगेटिव आयंस बचेंगे वो भी क्या सोचेंगे कि हम क्या करते हैं, Na के साथ जाके क्या हो जाती है, डिपोजिट हो जाती है। तो जो Cl नेगेटिव आयंस होते हैं वो क्या होंगे, जो Cl नेगेटिव क्या है आपके एनायंस है, तो वो भी क्या होंगे अपनी क्या होंगे नॉर्मल साइड को लीव कर देंगे। तो जब वो अपनी नॉर्मल साइड को लीव करके ऊपर सोडियम एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो क्या होगा, NaCl वहां पे Na एटम्स थे तो वो Na एटम्स क्या होंगे, Na पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे ताकि जो Cl नेगेटिव है उसके साथ मिलकर क्या हो सके, वो NaCl बना सके। तो इसलिए जब Na पॉजिटिव बनेगा दोबारा Na से तो आपका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो Cl नेगेटिव से आपकी क्या हुई है एनायन से जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसे क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं, ये एब्सॉर्ब करते हैं रेडिएशन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लाइट से। तो ये कोरोस्पोंडिंग रेडिएशन करेंगे एब्सॉर्ब कोरोस्पोंडिंग कलर की, ठीक है, फ्रॉम व्हाइट लाइट से। और जब ये इन्होंने क्या किया, रेडिएशन को एब्सॉर्ब किया लाइट से, तो क्या होगा ये एक्साइट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइट हो जाते हैं। तो जब वो अपने एक्साइटेड स्टेट से क्या करेंगे, वापस आना चाहेंगे ग्राउंड स्टेट में, तो वो क्या करेंगे, एमिट रेडिएशन करेंगे, रेडिएशन को एमिट करेंगे कोरस्पोंडिंग कलर की, ठीक है। तो अपने कोरस्पोंडिंग कलर जो उन्होंने एब्सॉर्ब किया था जिस कलर की रेडिएशन, उसी कलर की रेडिएशन को क्या करेंगे, एमिट करेंगे, ठीक। और हमें क्या मिलेगा, जैसे NaCl के केस में हमें येलो कलर की क्या मिलती है, रेडिएशन मिलती है। और जब जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव हुए हैं ये कहाँ आ जाएंगे, अपनी यहाँ पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ पे एनायन वैकेंसी हुई थी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, ये वहां क्या करेंगे अपना प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे उसको, ठीक है। और इस इन सेंटर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फॉर्बी सेंटर्स, मतलब एफ सेंटर्स। फॉर्बी का मतलब क्या होता है, कलर होता है, ठीक है। तो क्या हुआ मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर, आपका एक या एक से ज्यादा आयंस की क्या होगी, वो उनका प्लेस क्या होगा, वैकेंट होगा। तो उस प्लेस की को कौन ऑक्यूपाई करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे, क्यों, ताकि क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी है वो आपकी मेंटेन रह सके। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, रेडिएशन एब्सॉर्ब करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाती हैं और वहां से जब क्या होगा वापस ग्राउंड स्टेट में आती हैं, तो वही रेडिएशन जो इन्होंने एब्सॉर्ब की थी उनको कोरस्पोंडिंग कलर्स के साथ क्या करते हैं, एमिट करते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्बी सेंटर्स बोलते हैं।
जैसे अभी हमने NaCl का एग्जांपल दिया था कि कैसे क्या हुआ, Cl नेगेटिव Na के पास गया, वहां से Na क्या हुआ, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ इसका मतलब उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जो आपकी क्लोरीन नेगेटिव से क्या हुई है, Cl नेगेटिव से जो एनायन वैकेंसी क्रिएट हुई है उसे क्या करेगा, फिल करेगा। तो ये था हमारा क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसी। अब आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एक्स्ट्रा कैटायंस, कि किसी क्रिस्टल के अंदर क्या हो आपके एक्स्ट्रा कैटायंस। ये क्या है, ये बेसिकली फ्रैंकल डिफेक्ट के क्या है, सिमिलर होता है। जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर आपका क्या था कि आपके क्या थे, जो कैटायंस थे उन्होंने क्या कर ली थी, इंटरस्टीशियल साइट क्या कर लेते हैं वो अपनी, वहां पे जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं उस इंटरस्टीशियल साइट को, ठीक है। तो ऐसे ही ये होते हैं, इसके अंदर भी क्या होता है, जो आपके कैटायंस होंगे वो इंटरस्टीशियल साइट को क्या कर लेते हैं, जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया है जिंक ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड से क्या बन रहा है आपका, Zn2 पॉजिटिव एंड 1/2 O2, मतलब एक ऑक्सीजन का आइटम है तो उसे हम ऐसे लिखेंगे, और आपके क्या हो रहे हैं, Zn2 पॉजिटिव बना है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। तो जो ये Zn2 पॉजिटिव है ये क्या करता है आपका, जैसे यहाँ पे मैंने ये आपको एग्जांपल लेके बताया है, तो ये जो A पॉजिटिव है ये क्या है, एक्चुअली Zn2 पॉजिटिव है, इसने क्या किया, इंटरस्टीशियल साइट को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। बट क्रिस्टल सिस्टम की जो क्या है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी अभी नहीं है, तो इसलिए उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो ये दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए थे इस रिएक्शन में, ये क्या करेंगे, ये उसकी नेबरिंग जो साइट है वहां पे जाकर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, आपकी जो क्रिस्टल सिस्टम है उसकी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, जो आपका सिस्टम है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करता है। कंसीक्वेंसेस क्या है इसके, क्या होगा, ये कलर्ड क्रिस्टल देता है, ठीक है। जैसे कि NaCl है, इसके अंदर हमें क्या मिलता है, येलो कलर की रेडिएशंस मिलती है जब हम इस तरह की रिएक्शंस परफॉर्म करवाते हैं। दूसरा क्या होता है, जो ये क्रिस्टल्स होते हैं जिनके अंदर ये डिफेक्ट होता है, ये पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, करेक्टर शो करते हैं। दूसरा क्या होगा, ये जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं उस तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स में मेनली हमें ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं कि कैसे जो आपका एक्स्ट्रा कैटायंस है वो कैसे आपके इंटरस्टीशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और उसी सिस्टम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कैसे इलेक्ट्रॉन उसकी नेबरिंग साइट्स को मेंटेन कर रहे हैं, वहां पे जाके अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स के बारे में। ये किस तरह के उसमें होती है, दो टाइप से होगी, या तो किसके अंदर जिसमें जिस क्रिस्टल में क्या हो कैटायंस की वैकेंसी हो, या फिर क्या हो जिनमें एक्स्ट्रा एनायंस हो। बेसिकली जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट था आपका उसके अपोजिट होता है इसके अंदर। तो कैटायन वैकेंसी से कैसे होगा ये, जब क्या हो गया, आपकी कैटायन वैकेंसी का मीनिंग क्या है कि कैटायंस मिसिंग है उसके अंदर, कुछ पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है, तो जो कैटायंस हैं जो वो मिसिंग होंगे, तो इस वजह से क्या होगा, चार्ज को मेंटेन करने के लिए जो आपका कोई दूसरा कैटायन होगा उसमें क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट होगा। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया है, यहाँ पे क्या है आपका ए पॉजिटिव, मतलब कैटायन की वैकेंसी है, तो इसलिए जो इसका ये नेबरिंग एटम है, यहाँ पे जो नेबरिंग कैटायन है वो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज शो कर रहा है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, ए पॉजिटिव, बट वो उस ए पॉजिटिव की वैकेंसी को मेंटेन करने के लिए, मतलब उसके चार्ज को मेंटेन करने के लिए क्या कर रहा है, इसने अपने चार्ज को क्या कर लिया है, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर लिया है। तो यही है मेटल आपका कैटायन वैकेंसी डिफेक्ट, कि इसके अंदर क्या होगा, कैटायंस मिसिंग होंगे बट उस चार्ज को मेंटेन करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज की जो वैकेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए जो नेबरिंग एटम्स होंगे वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, शो करेंगे। तो ये होता किस टाइप के क्रिस्टल्स में है, जिस तरह जो मेटल्स क्या होंगे आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाएंगी, जैसे कि आपका फेरस ऑक्साइड या फिर फेरस सल्फाइड। इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपका फेरस सल्फाइड है तो वहां पे क्या होगा, जो F है जो आपकी क्या है आयरन है, वो क्या होता है, दो तरह की क्या होती है उसकी
लेकर चार्ज को मेंटेन करेंगे। अब आता है आपका एक्स्ट्रा एनायन कि आपके क्या हो नेगेटिव चार्ज की क्या हो एक्सेस हो, बट ये इस तरह का जो डिफेक्ट है वो कॉमन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो आपके एनायन है वो मोस्टली केसेस में क्या होता है लार्जर इन साइज होते हैं आपके कैटायन से, ठीक है। तो एनायन क्या होते हैं कैटायन से लार्जर साइज के होते हैं, इसलिए वो इंटरस्टीशियल जो साइड्स हैं उनको क्या होगा ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरस्टीशियल साइड का स्पेस तो इतना है बट एनायन का जो साइज है वो क्या होता है बड़ा होता है, इस वजह से वो इंटरस्टीशियल साइड को क्या है ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ